सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए हैं शांति हीरो और आज यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं। ग्लैमर की एक न्यू वर्जन आई है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो लगा हुआ है कैनवस एडिशन कहकर आया है ये वाला ग्लैमर, और कंप्लीट प्योर ब्लैक फिनिश में। साथ साथ आपको टेक्सचर एक में गोल्डन का प्रेजेंट है, एक में रेड का प्रेजेंट है। बाकी बात आज इसका कंप्लीट रिव्यू आप लोग को देंगे। वीडियो को एंड तक देखना और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना। और साथ साथ ये दोनों मॉडल जो है वो कैनवस एडिशन है, और हमारा एक्स टेक वर्जन जिसका रिव्यू हम लोगों ने बहुत पहले कर लिया था वो वाला हमारे लेफ्ट में लगा हुआ है। तो आज इन दोनों का रिव्यू देंगे। अगर कमेंट करोगे आप लोग इन दोनों का डिफरेंस का, तब हम लोग इसका डिफरेंस भी बनाएंगे। खैर आज भर के लिए बस इतना, दोनों का ही रिव्यू चल रहा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। Tell them say we ready, click them on the culture load. Shall know say we no regular, anything we ready for. Bet you never know, bet you never know. Nah go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, आपको जैसा हेडलैम्प मिल रहा है थोड़ा सा स्लीक डिज़ाइन में, थोड़ा सा मतलब शार्प में है नीचे में और ऊपर जाते जाते ब्रॉड हो रहा है। साथ साथ आपको हीरो का एक लोगो यहाँ पे दिख जाएगा, और एलईडी हेडलैम्प सेटअप आपको फ्रंट में प्रोवाइडेड है। डीआरएल्स आप देख सकते हो ऑन हुए हुए हैं, एंड साथ साथ जो राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स है वो आपको बल्ब में प्रोवाइडेड है। तो एक बार मैं आपको बाइक का फ्रंट व्यू मतलब कि आपको इसका हेडलैम्प दिखा देता हूँ। उसके लिए मेरे को बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक बार आप लोग फ्रंट हेडलैम्प भी देख लो, और पास लाइट वगैरह भी दिखा दिया जाता है आपको। देखो तो मैं बोलूँगा एलईडी सेटअप है, तो रात का टाइम पे अच्छा खासा विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगी। बाकी बात हम लोग अब आते हैं नीचे फोक्स में, तो आपको टेलीस्कोपिक फोक्स प्रोवाइड किए गए हैं कंपनी की तरफ से इस पर। एंड फ्रंट में आप ब्लैक मडगार्ड देख सकते हो। टायर्स की बात करें तो C8 का टायर है, और टायर डायमेंशन की बात करें तो 80x100 का टायर डायमेंशन है। 18 इंच का एलॉय है, और एलॉय का आप लोग कट वगैरह भी देख सकते हो। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक नहीं है, आपको ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन आप लोग ये दो यूनिट देख रहे होगे तो कॉम्बी ब्रेकिंग का यूनिट है, तो मैं बोलूँगा अच्छा खासा ब्रेक रिस्पांस आपको मिलेगा। साथ साथ ग्लैमर में नीचे में आप यहाँ पे ग्लैमर का मार्क भी देखोगे। इसके एलॉयज़ को थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए ऐसा किया गया है। बाकी बात इसका तो ये रेड टेक्सचर में हेडलैम्प वगैरह में आप रेड टेक्सचर देख सकते हो, मडगार्ड में नहीं है। लेकिन जो गोल्डन वाला है उसका आप देखोगे तो यहाँ पे गोल्डन का टेक्सचर एंड साथ साथ मडगार्ड में भी गोल्ड का टेक्सचर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और इसका जो एलॉय का डिज़ाइन है उसमें भी आपको गोल्ड का टेक्सचर प्रोवाइड किया गया है। तो बेसिकली हमारे पास दो कलर भी है, रेड एंड गोल्ड। तो इन दोनों पर हम लोग आप लोग को थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट भी करते हुए चले जाएँगे। आते हैं इसके मीटर पर, तो एक बार देखो स्वैप होगा। डीजी एनालॉग मीटर है, मतलब आपको डिजिटल मीटर एक साइड एंड एनालॉग मीटर एक साइड मिलेगा। तो एनालॉग स्पीडोमीटर है भाई, और न्यूट्रल का साइन, i3s का बटन नहीं i3s का लाइट, एंड आपको इंजन का लाइट, राइट लेफ्ट इंडिकेटर का लाइट। इधर आते हैं तो इधर आपको ओडोमीटर, एवरेज इंडिकेटर वगैरह, फ्यूल वगैरह का ऑप्शन और ट्रिप वगैरह आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको एवरेज भी बताएगा ग्लैमर ये वाला एडिशन जो है कैनवास एडिशन। बाकी बात आप यहाँ पे पास लाइट देखो सामने में, आपको हल्का थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। हाई बिन रो बिन राइट लेफ्ट इंडिकेटर, जैसा आप यहाँ पे इंडिकेटर देख लोगे, और ये हॉर्न हो गया। बाकी इधर आपको i3s का बटन एंड यहाँ पे इग्निशन का। तो एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं इसका, बहुत ही समझो माइन्यूट सा आवाज़ है, मतलब बहुत ही कम आवाज़ है जिस तरह से ये स्टार्ट हुआ है। कंप्लीट नॉइजी लेस तो नहीं बोलूँगा मैं इसे, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ करती है जब स्टार्ट होती है तो। और थोड़ा सा रिफ करते हैं, तो ऐसे इनिशियली कोई उतना ज़्यादा साउंड नहीं है, बट रिफ करने पर तो आप लोगों को पता है साउंड इंक्रीज होता है। तो ये इसका एग्जॉस्ट नोट हो गया भाई। चलो इसे बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो के। तो अब आते हैं टैंक में, तो अराउंड 10 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी आपको प्रोवाइड किया गया है। एंड साथ साथ आप लोग पहले गोल्डन वाला देख लो, यहाँ पे आपको ग्लैमर का मोनोग्राम एंड जो कंप्लीट टैंक है उसमें आपको गोल्डन फिनिश दिया हुआ है। समझ जाओ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है पूरी बाइक, एंड उस पर टेक्स्चर आपको प्रोवाइडेड है गोल्डन का इस साइड पर एंड इस साइड पर। बाकी बात अगर इधर आएँ तो इस वाली ग्लॉसी ब्लैक टैंक में आप ग्लैमर का लोगो तो देख ही रहे हो, और आपको रेड कलर में
यहाँ पे ग्राफिक्स प्रोवाइडेड है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को कौन सा ग्राफिक इसका सही लग रहा है। एनीवेज हम लोग आपको ग्राफिक दोनों का दिखा देते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंस मेरे को दिखा कि जो गोल्डन वाला है उसका थोड़ा टॉप में भी ग्राफिक है, और यहाँ पे देखो इसका थोड़ा सा खाली खाली है। खैर एनीवेज रेड और गोल्ड फिनिश है, तो आप लोग डिसाइड करो। सीट की बात करें तो अच्छा खासा लेंथ है, और फैमिली वगैरह अगर लेके घूमते हो तो आराम से अपनी मम्मी को बैठा सकोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रैब हैंडल भी पीछे अच्छा प्रोवाइडेड है, जो आराम से पकड़ के आपका कोई भी पिलियन पीछे बैठेगा। और इस साइड भी देखोगे तो इधर भी आपको सेम ग्रैब हैंडल एंड ऑल दिया हुआ है। नीचे आते हैं तो नीचे में आपको पीछे साड़ी गार्ड वगैरह मोनोशॉक सस्पेंशन दिए हुए हैं, और नीचे में चेन एक कवर डाला हुआ है, और साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी है इसमें, तो एक बार वो आपको दिखा देते हैं। जैसा अभी मैं करूँगा बाइक को स्टार्ट, स्टैंड हुआ नीचे न्यूट्रल पे, फर्स्ट गियर लाते और आपकी बाइक बंद हो गई। तो जस्ट एज अ सेफ्टी फीचर मैं बोलूँगा, क्योंकि बहुत कोई मैन अभी भी मैंने देखा स्टैंड बिना उठाए ही ऊपर निकल जाते हैं यार, तो ऐसा गलती मत करो, क्योंकि एक बार हल्का सा मिस्टेक होगा आपकी बाइक कंप्लीट उड़ जाएगी स्टैंड पे, समझो थोड़ा। कोई नहीं, आप लोग भी अगर किसी को देखते हो स्टैंड नीचे तो उसे इन्फॉर्म कर दिया करो यार, मैं तो जनरली कर देता हूँ। फुटपिक्स वगैरह की बात करें तो रेयर का फुटपिक्स मूवेबल है, क्लोज हो जाएगा। और टेल लाइट पे आते हैं, तो टेल लाइट एक बार आप लोग देख लो, टेल लाइट जो आपको एच टाइप का थोड़ा सा रिजेंबल करेगा, बाकी कंप्लीट मडगार्ड पीछे में है ही। और टायर की बात करें 100x80 का रेयर टायर है, 18 इंच का अलॉय है, और रेयर में आपको टायर कंपनी एक मिनट TVS का टायर मिल रहा है आपको रेयर में। और इस साइड एग्जॉस्ट हुड वगैरह आप लोगों ने देखा ही, तो मैं बोलूँगा एक C8 और TVS दोनों का टायर आपको प्रोवाइडेड है, क्योंकि इस वाली में मैंने देखा तो C8 का टायर था। यहाँ पे देखो C8 का टायर है एंड आपको TVS का टायर, मतलब दोनों टायर आपको प्रोवाइडेड है दोनों कंपनीज़ के, सब में अलग अलग आए हैं। अब चलो इसका इंजन को डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग कैट कैन वगैरह देख लो, जो आपको कैटलेटिक कैन एंड ऑटो सेंसर वगैरह दिया हुआ है। बाकी 125 सीसी पे इंजन है, एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक के साथ 10.84 PS का पावर एंड 10.6 न्यूटनमीटर का टॉर्क आपको प्रोवाइड कर रहा है। और मैं बोलूँगा ये वाला थोड़ा बेसिक है, एक्सटेक में बहुत सारे फीचर्स है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे हमें कि इन दोनों का कंपैरिजन लाओ, तब हम लोग दोनों का कंपैरिजन लाएंगे, तब आपको आराम से पता चलेगा। तो चलो अब इसका प्राइस वगैरह पूछते हैं, जो शांति हीरो में हमें मिलेगा इसका। तो ये दोनों मॉडल्स आपको अवेलेबल हैं शांति हीरो में, और यहाँ पर जो प्राइजिंग रेंज है वो आपको एक शोरूम हमें प्रोवाइड किया गया है, तो अराउंड 78,320 का आपको दोनों का प्राइसिंग पड़ रहा है। और ये दोनों ड्रम वेरिएंट है, इसलिए ये दोनों का प्राइस इतना है एक शोरूम, नहीं तो अगर डिस्क वेरिएंट रहेगा तो थोड़ा सा और बढ़ेगा। चलो अब अपन लोग वीडियो एंड करते हैं। प्रोग्राम्ड FI वगैरह सब है इसमें, साथ में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी दे रहा है, और ब्लैक बॉडी में अच्छा खासा ग्राफिक भी प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं बोलूँगा आप लोग बताओ आप लोग को ये वाला कैसा लग रहा है मॉडल। चलो अब हम लोग वीडियो करेंगे एंड, होपफुली आपको पसंद आया होगा। फ्रंट के DRLs वगैरह भी अच्छे दिखते हैं, और कॉम्बी ब्रेकिंग फीचर भी है। चलो हम लोग वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।